सेल्स एक यूनिवर्सल प्रोसेस है और इसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, इसीलिए सेल्स का हर एक बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके बिजनेस के अंदर भी आपकी सेल्स टीम का सेल्स बढ़ाना चाहते हो तो ये वीडियो आपकी पूरी सेल्स टीम को जरूर दिखाना, क्योंकि इस वीडियो की मदद से मैं आपको कुछ टेक्निक बताने वाला हूँ जो आपकी सेल्स टीम को सेल्स बढ़ाने में बहुत मदद रूप साबित हो सकता है। क्योंकि हर एक फील्ड के अंदर, हर एक बिजनेस के अंदर, हर एक बिजनेस का कोई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तो वो है उसका सेल्स। आपके बिजनेस के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो एक साइड होते हैं और पूरा जो सेल्स होता है वो एक साइड होता है, यानी हर एक डिपार्टमेंट के बराबर एक सेल्स होता है। क्योंकि आपका बिजनेस कितना लंबा चलेगा, कितने बड़े लेवल पे स्केल कर पाओगे, उसका सबसे बड़ा आधार रहता है आपका बिजनेस का कितना रेवेन्यू है, कितना सेल्स करता है। इसीलिए आपने शार्क टैंक इंडिया के अंदर भी देखा होगा, जितने भी फाउंडर फंड रेज करने के लिए आते हैं तो सामने जो शार्क होता है वो हर एक बिजनेस का सेल्स कितना होता है, उसका सेल्स कितना तेजी से ग्रोथ कर रहा है, उसके ऊपर ही अपनी उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो आप भी अपने कंपनी के अंदर को इन्वेस्ट कराना चाहते हो, कोई भी किसी भी इन्वेस्टर के पास जाते हो, तो सबसे जरूरी चीज़ है आपका जो सेल्स नंबर है अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आपका सेल्स अच्छा होगा तो ही जो इन्वेस्टर है आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है। इसीलिए सेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। आपकी जो सेल्स टीम है, आपकी कंपनी के अंदर जो सेल्स डिपार्टमेंट है बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। वो स्ट्रांग बनाने के लिए उसको सेल्स की अलग अलग पद्धति होती है, अलग अलग टेक्निक होती है, उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी सेल्स की 5 टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ। ये 5 टेक्निक आप अपनी सेल्स टीम को अच्छी तरह से सिखा देते हो तो आपका बिजनेस का सेल्स कई गुना बढ़ा सकते हो। इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋत्विक रिबड़िया, को फाउंडर ऑफ ओशियन एमटेक कंपनी एंड बिजनेस कोच, आप सभी लोगों का पूरे दिल से स्वागत करता हूँ। सेल्स के अंदर सबसे पहले जरूरी चीज है ट्रस्ट, यानी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर कस्टमर को बाद में ट्रस्ट आता है, लेकिन जो आपका सेल्समैन होता है, जो कंपनी की प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कोई भी कस्टमर को बताता है, उस बंदे के ऊपर कस्टमर को ट्रस्ट आना चाहिए। यानी आपका जो सेल्समैन है उसको अच्छी तरह से रेपो बिल्ड करना आना चाहिए। क्योंकि कोई भी कस्टमर, आप किसी भी अननोन व्यक्ति के साथ बातचीत करते हो, कोई प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बातचीत करते हो, तो सबसे पहले आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में उसको मत बताओ। सबसे पहले आप उसका ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, यानी सामने वाला जो बंदा है, आप जिसको बेचना चाहते हो, जिसको सेल करना चाहते हो, उस बंदे को आपके ऊपर ट्रस्ट आ गया तो आपकी प्रोडक्ट है या आपकी सर्विस है ऑटोमेटिक बिक जाएगी। इसीलिए आपको कोई भी कस्टमर को जब कॉल करते हो या मीटिंग करने जाते हो तो तुरंत किसी भी कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में मत बताओ। ये ज़्यादातर सेल्समैन यही गलती करता है और उसकी वजह से है वो ज़्यादा सेल नहीं करवाता। इसीलिए आप कस्टमर का भरोसा जीतना चाहते हो तो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सारी चीज़ें कस्टमर से क्लियर कर देनी चाहिए और सारी चीज़ें सच बता देनी चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारा कोई वीक पॉइंट होता है या हमारी प्रोडक्ट के अंदर इतना कोई नया फीचर्स नहीं होता है, फिर भी हम उसके बारे में नहीं बताते हैं, कस्टमर को उसके बारे में अवेयर नहीं करते हैं। ऐसा करने से आप कभी कस्टमर का भरोसा नहीं जीत सकते। इसीलिए आप कस्टमर का भरोसा जीतना चाहते हो तो आपको कस्टमर से सारी चीज़ें सच बता देनी चाहिए। क्योंकि जितना आप सच बताते हो उतना ही ज़्यादा भरोसा कस्टमर आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस के ऊपर करता है। दूसरी टेक्निक है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, यानी आप कस्टमर के साथ जब भी बातचीत करते हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आप सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करो। यानी आप ज़्यादा मत बोलो, आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना है तो आपको कस्टमर की बात सुननी पड़ेगी। इसीलिए आपको अच्छा सेल्स पर्सन बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको अच्छा गुड लिसनर बनना पड़ेगा। क्योंकि आप जितना ज़्यादा बात कस्टमर की सुनते हो, आपको 80% कस्टमर की बात सुननी चाहिए, सिर्फ 20% के अंदर आपको उसका आंसर करना चाहिए। यानी 80% समय के अंदर आप कस्टमर को बोलने का मौका देते हो और जब कस्टमर बोलता है तब आपको पता चलता है, तब आपको उसकी नीड क्या है उसके बारे में आपको एनालिसिस करना चाहिए। क्योंकि कस्टमर जितना ज़्यादा बोलता है तो उसकी रिक्वायरमेंट किस तरफ से है, उसका बिहेवियर क्या है, वो एक्चुअल में क्या चाहता है, और उसको भी ऐसा लगेगा कि भाई सामने वाला जो बंदा है मेरी बात सुन रहा है, मेरी बात के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है। ऐसा करने से कस्टमर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कन्विंस होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है और बाकी का जो 20% समय है उसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में उसको बता सकते हो। कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट या सर्विस को परचेस करने से पहले 4 चीज़ों के ऊपर ध्यान रखता है। पहला होता है लुक, यानी आपकी जो प्रोडक्ट है उसका लुक कैसा है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। दूसरा होता है परफॉर्मेंस, यानी आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो किस तरफ का रिजल्ट देगी, किस तरफ का परफॉर्म करेगी, उसके ऊपर वो ज़्यादा सोच विचार करता है। और तीसरा होता है सेफ्टी, यानी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में उसको कितनी सेफ्टी मिल सकती है उसके बारे में भी वो ज़्यादा सोच विचार करता रहता है। और चौथा है उसका बजट, यानी कि वो कस्टमर जो प्रोडक्ट या परचेस करना चाहता है उसका जो बजट है तो आपकी जो प्रोडक्ट या आपकी जो सर्विस है उसके बजट के अंदर फिट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेता है। इसीलिए आप जब भी कस्टमर को ये सारी 4 चीज़ें क्लियर कर देते हो
उसको पता चल जाता है कि चारों के चारों चीज़ें जो मैं परचेस करना चाहता हूँ मेरे क्राइटेरिया के अंदर आ सकती है, तो आप किसी भी कस्टमर को आसानी से अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेच सकते हो। अब तीसरी बात है प्रेजेंटेशन, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में आपके कस्टमर को बताना। तो सबसे पहले आपने कस्टमर का भरोसा जीत लिया, उसके बाद कस्टमर की नीड क्या है उसका एनालिसिस कर लिया, उसके बाद आप उसको प्रेजेंट करते हो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। तो आप किसी भी कस्टमर को डायरेक्ट प्रेजेंट मत करो, कोई भी छोटी सी स्टोरी के साथ और उसका जो पेन पॉइंट है उसके हिसाब से आपको कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताना चाहिए। मान के चलो कोई ऐसा कोई कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस है उसको सॉल्व करते हैं, तो आपको कस्टमर को ऐसे बताना चाहिए, सर आपका जो प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे कस्टमर को सेम प्रॉब्लम आता है और इसी के लिए हमने इस प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च किया हुआ है। तो कस्टमर को क्या लगता है कि नहीं, आपकी जो प्रोडक्ट है आपकी सर्विस है उसके प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकती है। क्योंकि कोई भी कस्टमर तीन चीज़ों की वजह से प्रोडक्ट को परचेस करता है, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में आपने तीन चीज़ें कस्टमर के माइंड के अंदर क्लेरिफिकेशन दे दिया तो आपका प्रोडक्ट या सर्विस ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो तीन चीज़ें क्या होती है, पहली चीज़ होती है फीचर्स, आपकी प्रोडक्ट के अंदर कौन से फीचर्स है उसके बारे में सरल भाषा में कस्टमर को बता दीजिए। दूसरी चीज़ है एडवांटेज, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस लेने से कस्टमर को कौन से एडवांटेज हो सकते हैं उसके बारे में आप उसको क्लियर तरीके से बता दीजिए। और तीसरा और सबसे आखिरी होता है बेनिफिट, आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस लेने से कस्टमर को कौन से बेनिफिट हो सकते हैं, कौन से फायदे हो सकते हैं उसके बारे में आपने अच्छी तरह से कस्टमर को बता दिया तो कस्टमर आसानी से आपकी प्रोडक्ट सर्विस के बारे में कन्वर्ट हो जाएगा। चौथी टेक्निक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यानी कोई भी कस्टमर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी सवाल पूछे उससे पहले आप उसका सॉल्यूशन दे दो। मान के चलो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट से थोड़ी ज़्यादा है तो आप उसको पहले ही बता दो कि सर जी हमने मार्केट से थोड़ा प्राइस ज़्यादा रखा है क्योंकि हमारी क्वालिटी अच्छी है, हमारी सर्विस अच्छी है। ऐसे पहले से आप बता देते हो तो बहुत सारे से प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारे से कस्टमर के सवाल होते हैं, जो कस्टमर पूछे उससे पहले आप उसका सॉल्यूशन देते हो। तो इसीलिए आपको भी आपके कस्टमर के कोई भी सवाल आते हैं उसको अच्छी तरह से हैंडल करना आना चाहिए, अच्छी तरह से उसको सॉल्यूशन देना आना चाहिए। ये जब आप अच्छी तरह से सीख जाते हो, कस्टमर का हर एक सवाल का आंसर सेटिस्फेक्शन के साथ आप कस्टमर को दे पाते हो तो आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर को आसानी से सेल कर सकते हो। पांचवी और सबसे आखिरी है क्लोजिंग, यानी अर्जेंसी क्रिएट करवाना। जब भी कोई कस्टमर से आप अर्जेंसी क्रिएट करवाते हो तो वो उसको डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है, क्योंकि आपको कस्टमर को बताना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस अभी क्यों लेना चाहिए। आप उसको अर्जेंसी जितना अच्छी तरह से क्रिएट कर पाते हो उतना ही आपकी जो डील है जल्दी क्लोज हो जाती है। इसीलिए आपको अच्छा सेल्स पर्सन बनना चाहते हो, आपका सेल्स को बढ़ाना चाहते हो तो आपको अर्जेंसी क्रिएट करना आना चाहिए। जिस दिन आप जल्दी से अर्जेंसी क्रिएट करना सीख गए उस दिन आपकी ज़्यादा से ज़्यादा डील को क्लोज कर पाओगे और कम समय के अंदर डील को क्लोज कर पाओगे, और जितना अर्जेंसी क्रिएट करवाते हो उतना ही ज़्यादा आपका जो सेल्स है उसको आप बढ़ा सकते हो। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सेल्स की पांच टेक्निक के बारे में बताया। ये पांच टेक्निक आप अपनी सेल्स टीम को अच्छी तरह से सिखा देते हो, अगर आप खुद सेल्समैन हो तो आप ये पांच टेक्निक अच्छी तरह से सीख जाते हो तो आपका सेल्स से कई गुना बढ़ा सकते हो। इसीलिए आप इस पांच टेक्निक को अच्छी तरह से अपने सेल्स के अंदर यूज़ करना चाहिए। आज की जो पांच टेक्निक थी उनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो आप सेल्स के लिए अभी तक यूज़ करते थे वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना। और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और बहुत सारे बिजनेस की केस स्टडी, मार्केटिंग वाले, सेल्स वाले वीडियो इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और नए बिजनेस लेसन के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में।